अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज का हमारा व्लॉग है नारायण बाज़ार। ये बड़ी ईद के बाद का रश है कि सूरत हाल के बारे में आगाह करना चाहता था, क्योंकि ईद पे छुट्टियां होती हैं, लोग विजिटिंग करने के लिए आते हैं। बाज़ पंजाब और सिंध में गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, जिस वजह से ईद के बाद लोगों का रश बहुत ज़्यादा बन जाता है। ये दिन के टाइम की मैंने वीडियो बनाई थी, बाज़ार में देख लिया आप रश बना हुआ है। बाज़ार में आजकल का रूम रेंट जो हैं वो थोड़े से हैवी हो चुके हैं, क्योंकि आपने शायद मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने आपको रूम रेंट 3000 से 5000 बताया था। अब के जो रेट हैं इनके 5000 से अबव हैं नॉर्मल कमरों के। टेंट या शेल्टर वगैरह तो सस्ते मिल रहे हैं 3-4 हज़ार में, 3000 या 3500 में, लेकिन रूम के जो रेट्स हैं वो 3 बेड या 4 बेड के रेट्स हैं, वो आपको मिलेंगे 5000, 6000, 7000 इस तरह। और अगर थोड़े से आप 3 स्टार या 5 स्टार होटल में जाएंगे, जैसे आप दीवानची है, मिलेनियम है, फेरी मेडोज है, तो इनका रेट तकरीबन 12000 से अबव है। बाकी इनके अपने रूम कंडीशन के हिसाब से होता है। बस मैं ये आगाह करना चाहता था कि बाज़ार में आप रश देख लें, ईद के बाद थोड़ा सा रश बनता है। तो देखिए ट्रैफिक सारी जाम की हुई हुई है, ये रोड की सिर्फ वन वे इन्होंने किया हुआ होता है, और साथ में दिन को तो बारिश भी थी। अब ये शायर रात की वीडियो चेक कर लें, इसमें साथ बारिश भी हो रही है, मौसम भी प्यारा बना हुआ है। अगर आप कोई विजिटर आना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं, मौसम भी आप एंजॉय कर लेंगे, मौसम भी ठीक है, क्योंकि जिस तरह नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर यहाँ पे आए तो आपको सर्दी महसूस होती है। मौसम बड़ा अच्छा है, उसके बाद आप विजिट कर सकते हैं। तो रूम की रेंट ये यहाँ पे हैवी होते हैं, बाकी खानों के या बाकी चीज़ें वो तो बराबर ही रहती हैं नॉर्मल, उनकी एक जो सीज़न शुरू होने से एंड तक के रेट्स होते वही चलते हैं। तो बस ये आगाह करना चाहता था कि ईद के बाद का रश है, ये रश अब तकरीबन 14 अगस्त तक रहेगा, क्योंकि सीज़न इनका अभी स्टार्ट हुआ है। कुछ महंगाई होने की वजह से ये होता है, एक्सपेंस बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी विजिटर तो विजिट करते हैं, क्योंकि वादी भी अपनी तरफ खींचती है सबको, वादी अपनी खूबसूरती की वजह से बुलाती है आपको, तो आपको आना पड़ता है। ये देखिए बारिश भी साथ साथ थी और ट्रैफिक इस वक्त भी जाम थी। ये मैंने वीडियो बनाई है रात तकरीबन 10 बजे की। चलें आज के लिए इतना ही, अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।